हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं पीके मौर्य और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बीकम फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं अपने खुद के खेत का गेहूं के खेत का रिव्यू करने जा रहा हूं, जो आपको शायद अच्छा लगेगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा गेहूं का खेत है, जो अभी बालियाँ तो नहीं निकली हैं लेकिन निकलने वाली हैं, और पूरी फसल एकदम अच्छे से चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, बहुत ही हरी भरी पत्तियां हैं, ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, टिलरिंग भी बहुत सारी है। दोस्तों, अभी क्या हो रहा है कि हम देखते हैं कि कोई कोई किसान भाई जो कंपनियों से बीज लाते हैं, सर्टिफाइड बीज लाते हैं, उसमें पैकेट में एक छोटा सा पाउच निकलता है पॉलीथीन का, उसमें पाउडर एक होता है, तो उसको यूज नहीं करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि ये शायद किसी लिए रखा गया होगा, उसको फेंक देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें एक दवा होती है, कार्बेंडाजिम या फिर मैंकोजेब या थायराम, इस तरीके की दवा होती है जिसको ट्रीट करने के लिए, जिससे बीज उपचार करने के लिए उसमें कंपनियां देने लगी हैं, तो उसका ध्यान रखना चाहिए, उसको ट्रीट करके ही बोना चाहिए। इससे इफ़ेक्ट देखिए, ये जो हमारे खेत बगल में दिख रहे हैं, इन्होंने सीड ट्रीटमेंट नहीं किया है, और मैंने सीड ट्रीटमेंट करके बोया था, तो उसका रिजल्ट ये आता है कि कोई भी फंगल डिजीज से बच जाती है फसल, और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है, जमाव अंकुरण क्षमता भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, सारा का सारा सीड आपका अंकुरित हो जाता है। तो ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी चल रही है फसल। तो मैं किसान भाइयों से यही बताना चाहता हूँ कि अगर उनके पैकेट में जो पाउच है वो नहीं निकलता है, तो आप किसी भी दुकान से जाके कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब या फिर दोनों का एक मिक्सचर आता है साफ नाम से, तो उसको लेकर 1.5 से 2 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से, पर केजी बीज के हिसाब से उसका मात्रा ले लेते हैं, और उस पर छिड़क के उसमें थोड़ा सा मॉइस्ट मतलब पानी करके उसको उपचारित कर दें। दोस्तों, ये देखिए हमारा खेत में जो पंप सेट रखा हुआ है, क्योंकि नहर भी है हमारे यहाँ, लेकिन नहर का कोई भरोसा नहीं रहता कि पानी टाइम पर आए कि ना आए, तो ये एक हमारे चाचा का रखा हुआ है, एक मेरा रखा है। हमारे यहाँ वाटर लेवल जो है बहुत ही मतलब ऊपर है, तो 5 से 6 फीट पे पानी हमारे यहाँ जनरली रहता है, इसलिए ज़्यादा जो सेक्शन पाइप होता है वो बहुत छोटा लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए फसल हमारी दिख रही है, पूरा खेत। ये बगल में घास दिख रही है इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने छिड़काव दवा का नहीं किया था, क्योंकि बगल में हमारा लहसुन खड़ा हुआ है, हम सोचते हैं कि शायद उसको कोई नुकसान पहुंच जाए, इसलिए हमने वहाँ पर यहाँ पर दवा छिड़काव नहीं की थी। और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है गेहूं के पौधे की, एक एक में 15-15, 20-20 टेलरिंग हुई है। ये देख सकते हैं कितनी अच्छी फसल चल रही है। कुछ लोग दवा का मतलब अधिक डोज डाल देते हैं, तो उससे फसल पीली पड़ जाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको फिर सही करने के लिए बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, पैसा भी लगाना पड़ता है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ खेत में गाजर लगी हुई है, जो अभी बहुत ही छोटी है, पर ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। यहाँ इसमें हमने कोई, जितना भी अपने खेत में हम उगा रहे हैं, उसमें कोई भी केमिकल खाद नहीं डाल रहे हैं। ये मटर लगा हुआ है जो निराई करने के लायक हो रहा है, धीरे धीरे मॉइस्चर थोड़ा और कम हो जाए ज़मीन में तो फिर निराई की जाएगी इसकी। इसमें केवल वर्मी कंपोस्ट पड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं पड़ा है, बेसल डोज भी नहीं डाला है। ये हमारी मम्मी ने कुछ बंद गोभी लगाई है, इसमें भी वही वर्मी कंपोस्ट ही पड़ा हुआ है, बहुत अच्छे चल रहे हैं, एकदम ग्रीन है। थोड़ा थोड़ा खाने भर के लिए खेत में लगा लेते हैं। और बगल में देखिए ये मूली लगी हुई है, ये धनिया है, इसमें खाने भर के लिए निकाल ली गई है, रोज़ रोज़ करके थोड़ी थोड़ी निकाली जाती है, और निराई भी की जा रही है साथ में। ये मूली है और ये गाजर जो है पहले की थोड़ा सा पहले बोई गई थी, ताकि एक साथ सभी ना तैयार हों, बस खाने भर के लिए थोड़ा थोड़ा लगा लिया जाता है। ये देखो मूली, पूरी ऑर्गेनिक मूली है एकदम, ये निकाल के मैं दिखाता हूँ। ये देखो कितनी अच्छी एकदम साफ मूली निकलती है, और ज़्यादा मोटी हो जाती है, वो भी खाने के लायक स्वादिष्ट नहीं रहती। और ये थोड़ा सा
गन्ना लगा हुआ है खाने के लिए, अपने ही यूज के लिए लगाया गया है। और ये हमारी आलू हैं, आलू की फसल है जो खाने भर के लिए लगाई गई हैं। ये पकने वाली है फसल, तो इसकी खुदाई फरवरी में की जाएगी। ये देखो पौधों की ग्रोथ अच्छी हुई थी और अब पकने की पक रही हैं, एकदम पत्तियां पीली पड़ने लगी हैं। ये देखिए ये सब, ये लहसुन लगा हुआ है जो खाने भर के लिए हमने लहसुन लगा लेते हैं, तो ये साल भर लगभग चल जाता है घर के यूज के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।